Hello friends, my name is Shivendra Pandey. Today I welcome you in my channel Galaxy Candid Education. Today we are going to learn very interesting topic, preparation of hydrogen by the action of water and steam on a metal. So before starting this topic, I remind you please subscribe my channel and click the bell icon to get more updates. तो फ्रेंड हाइड्रोजन डिस्कवर कैसे हुआ इन 16th सेंचुरी पैरासेलस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनफ्लेमेबल गैस को ढूंढा जो उन्होंने बताया कि मेटल जब डिसॉल्व होता है एसिड के साथ तो एक गैस प्रोड्यूस करता है उसे इनफ्लेमेबल गैस कहते हैं वहीं 1766 में हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया कि जो इनफ्लेमेबल गैस है वो एयर में बर्न होके वाटर प्रोड्यूस करता है तो उन्होंने उसको एज अ एलिमेंट बताया एज एलिमेंट घोषित कर दिया जिससे जिसका नाम दिया उन्होंने इनफ्लेमेबल एयर तो उसी ने एंटोनी लेवोशिया उसी समय एंटोनी लेवोशिया ने उस इनफ्लेमेबल गैस को हाइड्रोजन नाम से इसलिए डिस्कवर किया क्योंकि हाइड्रोजन वो वाटर को क्रिएट करता है जिसका मतलब ग्रीक में नाम रखा जाता है हाइड्रोजन को जैसे हाइड्रो मीन्स वाटर और जेंस मीन्स क्रिएटर तो हाइड्रोजन क्रिएटर ऑफ वाटर यूनिवर्स में कोई भी एटम जो होता है जिसमें 93% हाइड्रोजन होता है और अपने धरती के वेट में 1% हाइड्रोजन का वेट होता है और आइए हम अपने टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड स्टीम ऑन द मेटल शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड स्टीम ऑन मेटल हाइड्रोजन प्रिपरेशन बाय कोल्ड वाटर From cold water, active metals such as potassium, calcium, sodium react with cold water to liberate hydrogen gas from corresponding metal hydroxide. जब कोई active metal react होता है cold water के साथ वो अपने hydroxide के साथ hydrogen gas को produce करता है जैसे आप मान लीजिए potassium एक active metal है वो react करे cold water के साथ तो वो produce करेगा potassium hydroxide plus hydrogen. सेकेंड ले लेते हैं सोडियम जब रिएक्ट करे कोल्ड वाटर के साथ तो वो प्रोड्यूस करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन थर्ड ले लेते हैं कैल्शियम अगर रिएक्ट करे कोल्ड वाटर के साथ तो वो प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये सब एक्टिव मेटल अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो रहे हैं तो प्रोड्यूस करते हैं अपने हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होना नेसेसरी है Our next topic is hydrogen preparation from hot water. From hot water, magnesium liberate hydrogen from boiling water, but reaction is slow. तो friends, जब magnesium boiling water के साथ react करता है, तो वो magnesium hydroxide के साथ hydrogen को लेके उत्पन्न होता है. तो जब magnesium जब react करता है boiling water के साथ, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन को लेकर उत्पन्न होता है पर ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो होता है और नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन प्रिपरेशन फ्रॉम स्टीम फ्रॉम स्टीम व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर अ हीटेड मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद अ करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड तो फ्रेंड अगर हीटेड मैग्नीशियम के ऊपर से स्टीम फ्लो करे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस डिस्कवर होती है अगर हीटेड एल्युमिनियम के ऊपर से स्टीम फ्लो करे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस डिस्कवर होती है अगर हीटेड जिंक के ऊपर से स्टीम फ्लो करे तो जिंक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस डिस्कवर होती है अगर आयरन के ऊपर से स्टीम फ्लो करे तो आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस डिस्कवर होती है